साथियों, देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी कैरियर से जोड़ा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स ऐसा ही एक प्रयास रहा है। आज सरकार देश के शीर्ष खिलाड़ियों को उनके खाने पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों करोड़ों रुपयों की मदद दे रही है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। ऐसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए उनकी हर संभव मदद की जा रही है। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जब भारत का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतरता है तो फिर उसका प्रदर्शन दुनिया भी सराहती है, देखती है। पिछले साल हमने ओलंपिक में देखा, हमने पैरालंपिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो पिछले ओलंपिक में मेरे देश के वीर बेटे बेटियों ने करके दिखाया। मेडल की ऐसी जड़ी लगा दी कि पूरा देश कह उठा, एक स्वर से देश में बोल उठा, खेल के मैदान में भारत का उदय हो गया है।